सो हेलो हैलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर गाइस, मैं आप लोग को हमारा न्यू इवोल्यूशन M1014 का डेट बताने वाला हूँ, कब आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एंड कौन से इवेंट पे आएगा। साथ में हमारा न्यू इवोल्यूशन बंडल के बारे में बताऊंगा, उसका डेट के बारे में एंड इसका इमोट क्या क्या रहने वाला है बंडल का, सब कुछ बताऊंगा। सो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए हर चीज़ अवेलेबल है इस वीडियो के अंदर। और गाइस, मैंने इतना मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है, तो प्लीज़ सर इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कि आज का वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हमारा लेजेंडरी इवो बंडल की। तो आप लोग हमारा नया इवो लेजेंडरी बंडल देखने के लिए मिलेगा मई महीने को। जी हाँ गाइस, इसी मई महीने को देखने के लिए मिलेगा, जो OB40 अपडेट के पहले आएगा। तो ये जो इवेंट है गाइस, हमारा स्कॉर्पियन थीम पे आने वाला, इसका नाम होगा स्कॉर्पियन इवो बंडल या स्कॉर्पियो। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कौन से इवेंट पे आने वाला है। तो आप लोग को गाइस फेडेड व्हील इवेंट पे देखने के लिए मिलेगा, जिसका लुकिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। और गाइस, यहाँ पे जो बंडल है, आप लोग को बेसिक बंडल देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप लोग को टोकन से अपग्रेड करना पड़ेगा। जी हाँ भाई, अपग्रेड वाला सिस्टम होगा इस बार भी। तो यहाँ पे जो बंडल है, थोड़ा नॉर्मल लुकिंग के साथ इसको बनाया गया, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे भाई आप लोग को और एक आइटम देखने के लिए मिलेगा, एक बैकपैक का इसका, जिसका नाम है स्टिंग बैकपैक, जो बिच्छू थीम पे इसको बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छे खासा लुकिंग के साथ बनाया गया है। एंड आप लोग को यहाँ पे अपग्रेडेशन बॉक्स 2 देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों से टोकन भी मिल सकता है, नहीं तो बंडल भी मिलेगा, जो आप लोग देख पा रहे हो। तो बॉक्स ओपन करने का तो आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में यहाँ पे कुछ स्पेशल इफेक्ट रहने वाला है इस बंडल का, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मेड किट का इफेक्ट भी है। साथ में यहाँ पे कुछ और टोकन भी रखा गया है। तो ये कॉन्फर्म है कि गाइस, आप लोग को मई महीने को हमारा OB13 अपडेट का लास्ट इवेंट देखने के लिए मिलेगा, स्कॉर्पियो इवेंट, जहाँ पे लेजेंडरी बंडल आप लोग को मिलने वाला है। अभी गाइस बात करते हैं इसका इमोट क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो भाई, यहाँ पे आप लोग को न्यू लुक चेंजर देखने के लिए मिलेगा, जिसको यूज करके आप लोग इस बंडल पे ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो ये जो लुक चेंजर है भाई, बहुत ही कमल का बनाया गया है एंड आप लोग को यहाँ पे यही लुक चेंजर देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पे गिटार बजाने वाला इमोट रहने वाला है इस बंडल का, जो आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही ओपी ग्रुप इमोट। एंड यहाँ पे लॉबी एंट्री एनिमेशन रहने वाला है गाइस। जी हाँ गाइस, जब भी आप लोग लॉबी पे एंट्री करेंगे, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का एनिमेशन इमोट देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे ये नया इवो लेजेंडरी बंडल का यही 3 इमोट कॉन्फर्म हो गया है, और 4 नंबर इमोट मुझे अभी तक नहीं मिला, तो अपकमिंग टाइम पे जाके मिलेगा, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और गाइस, जो ग्रुप इमोट है, जब भी आप लोग अपने कोई ग्रुप पे रहेंगे, वो देखने में कैसा होगा एंड आपके दोस्त के साथ भी जब यूज करेंगे तो कितना ओपी लगेगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई, जब आप लोग कोई ग्रुप पे रहेंगे एंड यूज करेंगे, तो कुछ इस टाइप का गिटार बजाएंगे चारों बंदे एंड यहाँ पे भवंडर आ जाएगा। तो गिटार का भवंडर भाई आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, फिर से यूज कर दिया एंड यहाँ पे बहुत ही कमल का गिटार बजा रहा है। तो हमारा ये ग्रुप इमोट होने वाला इस बंडल का, आप लोग कमेंट करके बताना गाइस, ये वाला इमोट आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत ही ओपन कमल का लगा। तो इसके लिए भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट और अच्छा न्यूज दिया। तो ये तो क्या गाइस, हमारा इवो बंडल। अभी बात करेंगे हमारा न्यू इवो M1014 का, जो देखने में कैसा होगा, कौन से इवेंट पे आएगा, चलिए दिखा देता हूँ। सो गाइस, मई महीने की 5 या 6 तारीख को आप लोग हमारे इंडिया और बांग्लादेश दोनों सर्वर पे ये वाला फेडेड व्हील इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग के लेजेंडरी या इवो M1014 सेकेंड वर्षन देखने के लिए मिलेगा। और इस गन के खासियत है गाइस, आप लोग इसके एट्रीब्यूट आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। जी हाँ भाई, चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट है डबल रेट ऑफ फायर प्लस, आर्मर पेनेट्रेशन प्लस, बट आप लोग इसको 4 लेवल अपग्रेड करने पर खुद ब खुद इसके एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। एंड यहाँ पे भाई इसका देख पा रहे हो बेसिक लुक, और जब भी आप लोग यहाँ पे 3-4 गोली यूज कर लेंगे, उसके बाद इसका जो रिलोड स्पीड है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिलोड स्पीड फास्ट है। साथ में यहाँ पे आप लोग एक सर्फबोर्ड स्किन देखने के लिए मिलेगा, जो देखने में कुछ इस टाइप का होने वाला है, अच्छा ही है। एंड यहाँ पे इसका अपग्रेडेशन टोकन बॉक्स देख पा रहे, इस बार टोकन तो अजीब एंड हटके टाइप का है, आप लोग देख पा रहे हो, मतलब बहुत ही मोटा मोटा टाइप का टोकन दिया गया है। एंड यहाँ पे भाई आप लोग को इसी टोकन का यूज करना पड़ेगा। तो जी हाँ भाई, इस गन को अपग्रेड करने के लिए आप लोग को इस टोकन की जरूरत होगा, जिसका नाम है स्कॉर्पियो टोकन। तो आप लोग गाइस, यहाँ पे ये गन देखने में कुछ इस टाइप का लगेगा, जैसे मेरे हाथ पे आप लोग देख पा रहे हो,
गन तो बहुत ही लाजवाब एंड कमाल का लग रहा है एंड रेड इफेक्ट के साथ इसको बनाया गया है। एंड गैस मैं आप लोगों से थोड़ा टाइम लेता हूँ, अगर गैस आप लोग बहुत ही कम पैसों में ज़्यादा डायमंड टॉप अप करना चाहते हो तो आप लोग एस जी गेम शॉप से डायमंड टॉप अप कर सकते हैं। ये 100% रियल एंड ट्रस्टेड गेम शॉप है एंड मैं यहाँ से टॉप अप करता हूँ। ये अपना ही गेम शॉप है गैस, आप लोग यहाँ से टॉप अप कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे सीधा आके कॉमेंट करना, नहीं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीधा आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग टॉप अप करना चाहते हो एस जी गेम शॉप से जरूर करना। सो गैस ये जो गन है, जब भी आप लोग 3-4 गोली फायर करने के बाद रिलोड करोगे तो यहाँ पे स्पेशल एक रिलोड इफेक्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैं 3-4 गोली यूज कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग इसका रिलोड इफेक्ट देख लेना। तो यहाँ पे भाई पूरा खत्म कर दिया एंड यहाँ पे भाई देख पा रहे हो रिलोड स्पीड, तो यहाँ पे इसका रिलोड स्पीड बहुत तेज है एंड आप लोग जल्दी से रिलोड कर पाओगे एंड बहुत ही अच्छे खासा एनिमेशन रखा गया है। तो फेरेट व्हील के टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग इसका एट्रीब्यूट को खुद ब खुद चेंज कर सकते, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कस्टम एट्रीब्यूट। तो जी हाँ भाई, आप लोग यहाँ पे इस गन का एट्रीब्यूट को कस्टम कर सकते, मतलब चेंज कर सकते हो। इसी के साथ में जब भी आप लोग लास्ट इनिमी को मारोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्कॉर्पियन या बिच्छू आएगा एनिमेशन में, तो उस बंदे को ऐसे आके झपट मार के ऐसे किल एनिमेशन आएगा। तो मुझे तो ये चीज बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग हमारे न्यू इवोल्यूशन M1014 का इफेक्ट कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। बट ये सब चीज अनलॉक करने के लिए आप लोग को 8 लेवल तक इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जैसे कि बोला, एक बड़ा सा बिच्छू आके लास्ट इनिमी को मारेगा, तो देखिए यहाँ पे लास्ट इनिमी एक बड़ा सा बिच्छू आके इसको मार दिया, तो ये स्पेशल इफेक्ट होने वाला है इसका। और गाइस जब ये M1014 आएगा उस टाइम का हमारा जो लोडिंग स्क्रीन है पूरा चेंज हो जाएगा, हमारा लेजेंडरी बंडल के थीम पे यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आने वाला है जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा। एंड गाइस अभी मैं आप लोगों को हमारा इन गेम कुछ इमोट दिखाऊंगा जो यूज करने में कैसा होगा लॉबी में, वो दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे हमारा न्यू लॉबी भी देख पा रहे हो रमदान स्पेशल, और यहाँ पे भाई जो न्यू इमोट देख पा रहे हैं हमारा न्यू इवोल्यूशन गन का इमोट है, बहुत ही खतरनाक लुकिंग के साथ इसको बनाया गया है एंड देखने में बहुत ही ओपी लग रहा है। साथ में हमारा यहाँ पे इवोल्यूशन बंडल का ग्रुप डांस इमोट भी यहाँ पे देख पा रहे हो, जो देखने में कुछ इस टाइप का बहुत ही रॉकिंग वाला इमोट बनाया गया है। अभी गाइस मैं आप लोगों को कुछ और भी इमोट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक भुया पास का इमोट आने वाला जो रोलर स्केटिंग है एंड देखने में कुछ इस टाइप का होगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है स्केटिंग के टाइम। तो आप लोग को हमारे नया इमोट देखने के लिए मिलेगा भुया पास के अंदर जो जून महीने का आएगा। साथ में आप लोग को हमारा न्यू हाइपर बुक का इमोट दिखा देता हूँ, जब भी इसको यूज करेंगे तो इसका एनिमेशन देखने में कुछ इस टाइप का होगा, मतलब जमीन के अंदर से बुक निकल के आएगा, बहुत ही कमाल का इसका एनिमेशन रखा गया है। एंड गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड पे देख पा रहे हो हमारा न्यू इवोल्यूशन बंडल का इमोट, भाई पूरा कतई जहर है, पूरा रॉक करने जैसा यहाँ पे इमोट यूज हो रहा है। एंड यहाँ पे हमारा न्यू इवो M1014 का भी इमोट देख पा रहे हो, बहुत ही खतरनाक है। तो आप लोगों को भाई हमारा M1014 स्पेशल, लेजेंडरी बंडल स्पेशल, ये सब आइटम एंड रिवार्ड देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अभी कमेंट करके बताना आप लोग को ये सब रिव्यू कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए भाई प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने भाई को 100K पहुँचा दो यार, बहुत ही नस्तिक है, थोड़ा और सपोर्ट कर दो तो पहुँच जाएंगे। एंड आज के लिए बस इतने अपडेट गाइस, ऐसे नेक्स्ट और वीडियो पर मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा, तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।